नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। साल 2020 के शुरुआत के साथ ही कई तस्वीरें न्यूज़ फाउंडेशन ने आपको दिखाई, कुछ पार्क्स की, कुछ मंदिरों की, जहां पे लोग मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीर है पटना के गांधी मैदान की, जहां पर सुबह सवेरे पटना के पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव पहुंच गए गरीब लोगों के बीच में। रामकृपाल यादव ने उन गरीब लोगों को कंबल वितरित किया है और साथ ही नए साल के पहले दिन जलेबी से उनका मुंह मीठा करवाया है। तस्वीरें हैं पटना के गांधी मैदान की, जहां पर पटना में रहने के बाद हर दिन सुबह में रामकृपाल यादव पहुंचते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। रामकृपाल यादव पटना के गांधी मैदान से ही कुछ दूरी पर रहते हैं और हर दिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए वहां पहुंचते हैं। आज चूंकि साल का पहला दिन था, लिहाजा रामकृपाल यादव जो है वो उन गरीब लोगों के बीच में पहुंचे, वहां पर उन्हें कंबल वितरित किया और साथ में उन्हें जलेबी भी खिलाई। रामकृपाल यादव ने नए साल पर क्या कुछ कहा है, पटना के गांधी मैदान में गरीब लोगों के साथ नए साल का जश्न मनाते हुए सुनिए इस पूरे बयान में। मैं आज नए वर्ष में पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को नए वर्ष की शुभकामना। 2020 है इसलिए इसका इस वर्ष चुनावी माहौल भी है, चुनाव का भी वर्ष है, इसलिए मैं समझता हूँ सब लोगों को शुभकामना, बधाई। सब देश तरक्की करे, अमन शांति सद्भाव रहे, प्रदेश तरक्की करे, हमारा पटना ग्रामीण की जो जनता है वो तरक्की करे, इस वार्ड की जो जनता है, अपवा है यहाँ के काउंसलर उप महापौर रहे हैं और लगातार 15-20 सालों से जनसेवा करते रहे हैं। और आइए और आइए, बाबूजी क्या बोला।